नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश भांडे और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये मेरे पास में HF Deluxe BS6 बाइक आई हुई है और इस बाइक में जो है कस्टमर जो है बहुत ही परेशान है। क्योंकि इसमें जो है कोई पिकअप नहीं है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है। तो हमने सबसे पहले इसमें 1 लीटर का पेट्रोल डाला, उसके बाद जो है इसे हम चेकआउट किया और कस्टमर जो है ये इसका जो कहना चाहिए काम है उन्होंने कराया है कहीं पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो कि ये मैग्नेट इसका यहाँ पे ओपन हुआ है और ये सारा कुछ जो है यहाँ पे काम किया गया है, जो कि 2-3 दिन पहले की बात है। ये देख पा रहे होंगे ये बॉन्ड जो है सूखा नहीं है, ये तो ये काम हुआ है। उसके बाद भी इस बाइक में जो है प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको प्रॉब्लम फेस करा दूँ कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखा दूँ तो इसमें जो है हम लगाएँगे इसमें किक और इसमें जो है स्टार्टिंग पर भी दिक्कत है और ये स्टार्ट हुई बाइक और हम इसका थ्रोटल खींचेंगे तो ये हो गया। इस तरीके से मिसिंग कर रहा है, देख ये गाड़ी मिसिंग साउंड। इस तरीके से जो है इसमें मिसिंग है और इसका चेक इंजन लाइट भी शो कर रहा है और बाइक बंद हो जाएगी। अभी ये बंद हो चुकी। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूल का प्रेशर चेक करेंगे और दूसरा चीज़ हम इसका चेक इंजन लाइट क्यों जल रहा है वो चेक करेंगे। तो OBD हम स्कैनर लगाकर जो है इसमें पहले हम स्कैन करते हैं बाइक को, उसके बाद जो है फ्यूल का प्रेशर चेक करेंगे। तो हम इसका जो केबल है यहाँ से ये साइड पैनल ओपन कर सकते हैं आप। तो यहाँ से मैं शॉर्टकट से पहले चेक कर लेता हूँ। तो ये इसका OBD स्कैनर का डेटा लिंक कनेक्टर है और हम इसमें लगाएंगे स्कैनर इस तरीके से और हम इसका इग्निशन जो है ऑन करेंगे। तो देखते हैं, पहले डायग्नोस करते हैं। तो सीधा डायग्नोस में जाएंगे, करंट फॉल्ट में जाएंगे। तो हमारे पास 3 फोल्ड आए हुए हैं। तो पहला है O2 सेंसर का और इसी को नीचे करेंगे। दूसरा है इग्निशन कॉइल का, इग्निशन कॉइल, और तीसरा है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का। तो हम इसका इग्निशन जो है ऑन करेंगे। तो प्रेशर गया 13 PSI में गया और ये 20 पे रुका एक ही बार में, ये क्लियर बता रहा है। मतलब इसका फ्यूल पंप जो है वो सही है, चेक वाल्व वो भी सही है, क्योंकि ये जो है 20 में आके रुक जा रहा है प्रेशर। देखते हैं थोड़ा देर रुक के, प्रेशर जो है रुकता है या नहीं। जब प्रेशर डाउन होता है तो बहुत ही जल्दी डाउन होता है। वो आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर जब भी आपका हाई गया 13 PSI में गया, उसके बाद जब रिलीज होगा प्रेशर तो बहुत ही जल्दी अब तक जो है 0 पॉइंट आ जाता। तो इसका 20 पे रुक रहा है, मतलब इसमें इस बाइक में जो है फ्यूल पंप ओके है। तो इस बाइक में जो है इसका जो एयर फिल्टर है ये जो है इस तरीके से डैमेज निकला है, जो कि इसका थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर ये चीज़ हमें क्लीन करना होगा। तो ये थ्रोटल बॉडी है, इसे जो है मैकेनिक ने जो है इसे क्लीन भी किया है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है पूरा ये क्लीन हुआ है, कोई भी इसमें डस्ट और कचरा नहीं है। इस साइड हम दिखाएंगे, ये इस साइड भी क्लीन है और ये कपलर जो है यहाँ से इस तरीके से निकाला है, जो कि ये जो है ये यहाँ पे ये हल्का डैमेज हुआ है। और हम इसका जो मैनिफोल्ड हमारा सिलेंडर का है ये आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से जो है इसमें यहाँ गंदगी भरी हुई है ये इस तरीके से जो है। तो थ्रोटल बॉडी निकाल कर जो है क्लीन किया गया है पर ये जो है, और दूसरा चीज़ इसका इंजेक्टर, इंजेक्टर को भी जो है ये क्लीन नहीं कर पाया है। तो देखते हैं इसका इंजेक्टर क्लीन करेंगे और उसके बाद इसमें फ़िल्टर डालेंगे। फ़िल्टर डालने के बाद जो है बाइक को करेंगे स्टार्ट, क्योंकि इसका थ्रोटल बॉडी तो क्लीन पहले से हुआ है।
तो हम इंजेक्टर को जो है क्लीन करेंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से जो है यहाँ क्लैंप लगा कर जो है इसे, और इस साइड ये पाइप जो है, और हम इसे क्लीन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, जो कि इस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुई है, ये जो कपलर यहाँ पे फिटिंग होता है वो। तो हम ऐसे क्लीन करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे ही इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं, और ये पाइप जो हमें हटाकर जो है और यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करना है। और दूसरा चीज़, इस इंजेक्टर को जो है हमें सप्लाई देनी होगी, तो ये देखना पड़ेगा। ये कपलर जो है फिटिंग होता है नहीं, तो ये अच्छे से करें, ये इस तरीके से ये फिटिंग हो गया। और हम ऐसे देंगे 12 वोल्ट का डीसी करंट। तो मैं बैटरी लिया हूँ इस तरीके से, और ये जो है हमें इसी टाइम जो है इसमें स्प्रे जो है बटन दबाना है, दबाएं, और इस तरीके से स्प्रे होने लगा, ये बटन छोड़ें, फिर से एक बार दबाएं बटन, बस छोड़ दें। और उसके बाद हमें इसे डीसी करंट देना है। तो यहाँ पर जो है मैं जो है ये सारे जो फोल्ड कोड है उसे इरेज कर दे रहा हूँ, और उसके बाद देखते हैं बाइक में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है बाइक अभी ऑफ है, और ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम इस बाइक को करेंगे स्टार्ट, और देखते हैं इसमें जो है जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हुई कि नहीं। तो जैसे कि मैं स्टार्ट किया, और इसका थ्रॉटल मैं खींचूँगा पूरा, ये बाइक रेस ही नहीं हो रही, अब जाके रेस हो रही है और बाइक बंद हो रही है बार बार से जो है। स्टार्टिंग में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें, ये A few moments later. दोस्तों मैंने इस बाइक में सारा कुछ काम किया, इसका थ्रोटल बॉडी क्लीन कर दी, इसका इंजेक्टर क्लीन कर दिया, एयर फिल्टर हमने चेंज कर दी, पेट्रोल डाल दिया, इसमें प्लग डाल दिया, स्पार्क प्लग भी नया डाल दिया, ओरिजिनल डाल दिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम है। और हम ऐसे जो है इरेज कोट कर दिए, बाइक में फॉल्ट भी हटा दिए, चेक इंजन लाइट भी चला गया, उसके बाद भी जो है इस बाइक में प्रॉब्लम है, ये बाइक में मिसिंग का प्रॉब्लम है। तो आप जो है जब भी स्कैन कर रहे हैं बाइक को, और आपके पास में ऑक्सीजन O2 सेंसर का आपके पास में फॉल्ट आपका स्कैनर जो है बताता है, तो उस समय जो है आपको जो है इसका ऑक्सीजन सेंसर जो है आपको चेंज करना होगा। और ये ऑक्सीजन सेंसर है, ऐसे ओपन करके जो है हमें ये, हमने इसमें जो है इसका वायरिंग आयरिंग सारा कुछ जो है ECU तक पूरा चेक कर लिया, पर इस बाइक में प्रॉब्लम है। तो इसका ऑक्सीजन सेंसर हमें नया फिटिंग करना होगा। तो मिसिंग करने का जो मेन रीज़न है वो इसका ऑक्सीजन सेंसर है। तो ये हम ऐसे जो है देखते हैं सर्विस सेंटर में हमें मिल पाता है या नहीं। तो हम ऐसे पहले ओपन करते हैं, तो ओपन करने के लिए जो है आपको एक स्पेशल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने जो है बना कर रखा है, अभी हम देखते हैं इसे ओपन करेंगे। पहले हम इसका जो है यहाँ से कपलर निकालेंगे, और ये ऑक्सीजन सेंसर ओपन करने के लिए ये 17 नंबर का जो गोटी है, ऐसे जो मैं इस तरीके से काट कर जो है बनाया हुआ हूँ, जो कि ये जो है काम आता है हमें। और हम जो है यहाँ पे वायरिंग को इस तरीके से वो करके जो है, और यहाँ पे हम टामी फंसा कर जो है इस तरीके से जो है से लूज करके जो है, और इसका ऑक्सीजन सेंसर जो है ये ओपन हो जाएगा। तो ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, और इसे हमें लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पार्ट नंबर होता है हो सकता है हमें वहाँ पे हमें दिखाना पड़े। तो मैं लेकर आता हूँ, उसके बाद जो है इस बाइक में हम नया ऑक्सीजन सेंसर जो फिटिंग करेंगे। हमारे पास जो है ऑक्सीजन सेंसर जो आ चुका है, और ये हमारा पुराना ऑक्सीजन सेंसर है ये,
और ये हमारा नया ऑक्सीजन सेंसर है। प्राइस लिस्ट जो है आप बाजू में देख सकते हैं कि ये कितने का है, और पार्ट नंबर सारा कुछ जो है आप देख सकते हैं। तो ये अब हम फिट करेंगे बाइक में, उसके बाद देखते हैं इसमें जो है जो प्रॉब्लम था वो जो है सॉर्ट आउट होता है या नहीं, पूरा ऐसे जो है अच्छे से चेक करेंगे। तो मैं ये जो है टाइट कर लेता हूँ, इस तरीके से जो है ये टाइट हो गया। और यहाँ पे इसका जो कपलर है, और हमें इसका इग्निशन जो है ऑफ रखना फिलहाल, और इसे हम बाद में फंसा कनेक्ट कर देंगे। तो पहले जो है इसे इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद हम करते हैं बाइक को स्टार्ट। उसके बाद आपको ऑन करना है, और ऑन करने के बाद जो है हम इसे कर देंगे हम इरेज कोड, ताकि जो है ये बाइक का जो चेक इंजन लाइट है वो चला जाए। और यहाँ पे आएंगे इरेज में, और इसे ओके करके जो है, तो ये हमारा हो गया है। अब हम इस बाइक का जो है इग्निशन एक बार ऑफ करेंगे, और फिर से ऑन करेंगे, और बाइक को करेंगे स्टार्ट। तो ये बाइक जो विदाउट किक वो सेल्फ का है, इसलिए जो है हम करेंगे स्टार्ट, और इसका चेक इंजन लाइट जो है चली गई और बाइक स्टार्ट है। देख पा रहे हैं ये जो है प्रॉपर तरीके से जो है स्टार्ट है सारा कुछ, और हमें काफ़ी टाइम हो गया इस बाइक को ठीक करते करते, जो है शाम हो गया। और ये देख पा रहे हैं चेक इंजन लाइट चला गया है, और इसका इंजन का जो RPM है वो हम आपको दिखा दें। तो यहाँ आएंगे हम डेटा सिस्टम में, ऑल टाइम में, और यहाँ पे हम देखेंगे इंजन RPM। तो यहाँ पे जो है इंजन का जो RPM है वो 1300 से 1400 RPM ये बता रहा है, मतलब ये बाइक जो है प्रॉपर तरीके से ठीक हो गई है। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्त।